नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, दुबई अथॉरिटीज ने एक हाल ही यानी कि एक दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया है जो कि ट्रैवल बैन को लेकर है, जो कि ये लागू होगा 10 जनवरी 2022 के बाद। आप लोगों के मन में काफ़ी सारा डाउट होगा कि ये ट्रैवल बैन किसके लिए है, कौन सा कैटेगरी वीज़ा के लिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज में हो गए। हालांकि पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया, कुछ ही डिटेल्स, हालांकि कुछ भी बहुत थोड़ा ही डिटेल्स दिया गया इसमें। हालांकि मैं थोड़ा इसी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट है, दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि जो ओमिक्रॉन का केसेस जो दिन ब दिन इतना जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए यानी कि उसका स्प्रेडिंग को कम करने के लिए ये जो स्टेप है वो दुबई गवर्नमेंट लिया है। हालांकि ये जो ट्रैवल बैन है दोस्तों, ये सिटीजन्स के लिए है, ना कि सब लोगों के लिए है। हालांकि सब लोगों के लिए क्या रूल है अभी दुबई गवर्नमेंट कुछ इसके ऊपर कुछ खुलासा नहीं किया है। हालांकि इतना बताइए, सिर्फ जो यूएई सिटीजन्स है यानी कि जो बंदे काम करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, वो यूएई में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो आउटसाइड में अभी है, वो यूएई रिटर्न करना चाहते हैं, वो उनके लिए है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि सबके लिए बैन नहीं है, जो अनवैक्सीनेटेड है यानी कि जो कंप्लीट डोज नहीं लिए हैं वैक्सीन का, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे 10 जनवरी के बाद। हालांकि ये भी कहा गया कि जो यूएई के सिटीजन, जिन लोगों का कंप्लीट डोज वैक्सीन हो गया है, उन लोगों को बूस्टर डोज लेना जरूरी है। ये यूएई गवर्नमेंट के द्वारा सूचित कब से कर दिया गया है, ये अभी नहीं, बहुत पहले वो जस्ट ओमिक्रॉन स्टार्टिंग पे ये बोल दिया गया था कि जिन लोगों ने वैक्सीन का डबल डोज ले लिया है एंड जो एलिजिबल है वो जल्दी 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 अपना बूस्टर डोज लगा ले, जो कि एज 21 के ऊपर है, वो बूस्टर डोज अपना ले ले। हालांकि दूसरे कंट्रीज में जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान जैसे जो एशियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे बूस्टर डोज अभी अवेलेबल नहीं है इतना। हालांकि जो कि एज क्राइटेरिया के मैच करेंगे कि 21 से बाद जो लोगों के, जैसे इंडिया की बात करें तो 21 के बाद इससे बूस्टर डोज अवेलेबल नहीं है अभी इंडिया पे, तो इसके ऊपर क्या अभी करेंगे या क्वारंटाइन करेंगे या फिर क्या करेंगे उसके बाद तो बाद में बताएंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही अनाउंसमेंट आया है। हालांकि और कुछ अनाउंसमेंट आया है जैसे कि ट्रैवल गाइडलाइंस को लेकर है, या फिर अभी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे क्वारंटाइन सिस्टम है या फिर कोविड टेस्ट होगा, क्या होगा, ये अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी और एक वीडियो के साथ नए टॉपिक पे, जो कि है यूएई ट्रैवल रूल। ट्रैवल रूल एंड रेगुलेशन क्या है, कैसे आप ट्रैवल करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट के आप कंसीडर करना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट या साथ में लेके जाएंगे, या फिर क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, कोविड टेस्ट कैसे करना है, क्वारंटाइन का क्या सीजन है, ये सब चीज़ के जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, जो है धन्यवाद।